हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, डीएचएस के एग्जाम्स में। तो देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब इसको कंप्लीट द सीरीज़, यानी ये 80 है, 10 है, 70 है, 15 है, 60 है, उसके बाद ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो अचानक से नंबर कम रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इस तरह की कंडीशन में आपको होता क्या है, अल्टरनेट सीरीज़, मैंने एक को छोड़कर दूसरे को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे 80 को देखना है तो 10 से नहीं करेंगे, 70 से करेंगे। बेसिकली हम 10 से करते हैं, बट यहाँ पे जब वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है कंटिन्यू, तब हम देखते हैं। अदरवाइज अगर इस तरह का सीरीज हो तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट सीरीज, एक को छोड़कर, ठीक है ना। तो 80 को कंपेयर करेंगे 70 से, 70 से जाएंगे 60, एंड देन 60 से जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ तो आपसे पूछा ही नहीं है। चलो 10 को कंपेयर करेंगे 15, एंड देन ये आंसर दे देगा। तो कैसे होगा देखोगे, अब ये 10 माइनस हो रहा है ना, 80 से 10 माइनस करोगे 70 आएगा, इससे 10 माइनस करोगे अगेन देखो 60 आया, फिर 10 माइनस करते 50 आता है यहाँ पे इस जगह, बट ये पूछा नहीं है आपसे, ये पूछा उसके पहले वाला टर्म पूछा है, ठीक है। तो देखोगे अब इसको चेक करो, 10, 15, 5 इंक्रीज हुआ ना, तो नेक्स्ट वाला भी 5 ही इंक्रीज होगा। तो ये कैसे पता चला कि 5 होगा? तो यहाँ देखोगे ये -10 करके जा रहा था, इसलिए ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो 5 करके ही इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 15 में प्लस 5 कर देंगे तो 20। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इफ 30% ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0.25 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी, देन ए बी सी रेशियो आपसे पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखोगे इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया 30, ए परसेंटेज को लिए नीचे लिख सकते हैं 100 इज इक्वल्स टू, ये है 0.25, यानी 25/100 लिख सकते हो बी, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं C/5। तो देखोगे मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो ये डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये 0 से 0 गया, ये 25 से ये हो गया आपका 4। तो अब देखोगे ध्यान दोगे यहाँ पे, यहाँ 3 है ना, और ऊपर कहीं कुछ दिख रहा है, ऊपर कोई नंबर नहीं है, सब कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे बी का कोफिशियंट अब 1 ही है, सी का कोफिशियंट 1 है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी इक्वल हो जाए ना, तो आपको करना क्या है कि सबको नीचे लेकर आ जाना है। तो यहाँ तो 3 रह गया ना ए का कोफिशियंट, तो इस 3 को भी तो ला सकते हैं ना, 10/3 लिख के, बोलो लिख के ला सकते हो। तो अब इस तरह का फॉर्म में हो गया ना, ए बाई 10/3 इज इक्वल्स टू बी बाई फोर इज इक्वल्स टू सी बाई फाइव। अब ये आंसर क्या होगा दोस्तों, ये जो नीचे जो दिख रहा है ना, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 10, 4 3 12, 5 3 15, ये हो जाएगा तीनों का रेशियो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3, देन आपसे पूछ रहा है पावर 4 में x^4 प्लस 1/x^4 कैसे करेंगे इसको। तो देखोगे अगर स्क्वायर होता तो हम क्या करते, मैंने ट्रिक क्या बताया हूँ कि अगर यहाँ प्लस है, ध्यान से सुनोगे, अगर यहाँ प्लस है तो इसका स्क्वायर कर दो और फिर माइनस में 2 कर दो, तो ये निकल जाता है दोस्तों x^2 + 1/x^2 का वैल्यू, यानी कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 9 - 2 करोगे तो 7, ये आ जाएगा आंसर 7। बट यहाँ पे पूछा है पावर 4, तो फिर पावर 4 अगेन स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4 आएगा ना। तो फिर अब ये आंसर जो देगा, ये 7 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर दो, दोस्तों आंसर आ गया। तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 करोगे तो 47 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर ना? तो ऑप्शन नंबर में फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ऐसे क्वेश्चंस डीएचएस का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है वहाँ ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।